कैथल के अर्जुन नगर में बीती शाम एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कार चालक ने एक साइकिल सवार व्यक्ति को उड़ा दिया है, जिसे देख मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देख गाड़ी में सवार लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को इलाज के लिए वहां से अपने साथ गाड़ी में ले जाया गया। परिजनों द्वारा कैथल के हर हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति को ढूंढा गया, लेकिन किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी में सवार लोगों की मंशा कुछ और ही थी। वो इलाज के लिए नहीं बल्कि भागने की फिराक में थे और कैथल के 21 सेक्टर में सुनसान सड़क पर गाड़ी सवार लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को फेंककर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन एक मकान की दीवार के साथ टकराकर उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जिसे वो पकड़े गए। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है और घायल व्यक्ति को कैथल के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कर लें कल पहले पहला अपना इलाज कराओ, उसका इलाज कराओ, ठीक है ये बात होना सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं। और कर हाँ जी सर, बीजेपी दक्षिण है करनाल तो कोई बात नहीं, इतनी यहाँ मतलब क्या सुनूंगा मैं, चलो पहले बात कर दो, कल गल कर लो सर, एक मिनट गल कर लो, गल कर लो, बीजेपी है वोटर नहीं लड़ी कर, क्या नाम आपका? मेरा राजकुमार है जी। कहाँ से हो? मैं अपने पड़ोसी है जी, अपने ये कृषि। क्या मामला है? ये मामला एक्सीडेंट का है जी। क्या हुआ? ये जो बंदे है ना जी, ये तीन बंदे थे गाड़ी में, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है और ये बेतुकी तेज चला रहे थे गड्डी, और बंदे का क्या नाम लेकर मौके पे जैसे इन्होंने टक्कर मारी बिल्कुल सामने से सीधे, और फिर इन्होंने वहां से उठाया, वहां से उठा के पहले तो ले गए सीवन की तरफ, फिर इन्होंने गड्डी घुमाई, फिर ये पता नहीं क्या कहां कहां को घूम के और यहां पर लेके गिरा। और जो हमारा पेशेंट है ना, उसके पास हमने ना कम से कम 500 कॉल करी, इन बंदों ने एक फोन नहीं उठाया। ये तो पता नहीं किस भाई ने कैसे देखा भाई यहाँ पर गेड़िया कौन छोड़कर गया, तो किसी बंदे ने के नाम लेकर फोन करया, उस बंदे ने फोन उठा लिया बेचारा ना, और हमारे जो एमसी साहब उसके उसने फोन किया था कृष्ण के पास जो पेशेंट है, तो उसकी बात हुई जब हमें पता लगे भाई यहाँ पर पड़ा बंदा। तो हालात क्या है? हालात तो ऐसा है जी, बहुत ज्यादा सीरियस है बंदा, टांग बिल्कुल टूट गई है और ना ही बोल रहे हैं जी। तो क्या मंशा थी इनको जिस तरह से ये बंदे को भगा के गए? ऐसा है जी, हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहवा, मारा तो ये है जी के नाम लेकर जिस तरह मारा बंदा है ना, मारा पड़ोसी चेहरा के नाम लेकर कहीं जोगा नहीं, यू भी कहीं जोगा रहना चाहिए। अच्छा, कहाँ के हैं लोग, कुछ पता लगता है? इस चीज का कोई पता नहीं, सामने के हैं जी। तो पुलिस मौके पे पहुंची हुई है? हाँ, मौके पे पहुंची हुई है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की? वो जो हमारे पेशेंट है जी, उसको तो ले गया पीजीआई, ठीक है ना, अभी यहाँ पर मौके पे के नाम लेकर इनसे पूछताछ कर रहे हैं, इनका बयान लिख रहे हैं जी, और बयान में सभी झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा, ये बोल रहे हैं इनका के नाम लेकर साइकिल उनका था उसने मारा है, जबकि इसने मारे है। अच्छा, और अभी क्या नाम लेकर किसी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष से बात करवा रहे हैं, ये अभी से क्या नाम लेकर फरमाइश चालू होगी इनकी, तो इसका मतलब गरीब बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहे जी, यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, यही पहले तो हमारे बंदे का इलाज हो जाए जी, उसके बाद इस बंदे को क्या नाम लेकर जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो ना वो मिले जी। क्या मामला है, कैसे सूचना मिली आपको? मैं घर था, मेरे पास राजेश भाई का फोन आया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, हमारे पड़ोस में रहता है ये, इन्होंने हम सारे हॉस्पिटल देखे, पहले इसमें सरकारी हॉस्पिटल में गए, उसके बाद शाह में गए हैं, उसके बाद जनता में आए हैं, हमने कैथल के जितने भी है हॉस्पिटल सभी में छानबीन करी है, उसके बाद हम गए हैं सिविल लाइन उसमें सिटी में थाने में, वहाँ पर पूछा कि ऐसे ऐसे बंदा टक्कर मारी थी, आप गए थे वहाँ पर, हमें कोई मिल नहीं रहा कहाँ पे है हम, उसके बाद हमने इस बंदे में फोन किया है, कम से कम 10-12 फोन किया है मैंने, तो उसके बाद किसी ने उठाया यहाँ पे, वो बोले कि यहाँ जॉगिंग करने वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पड़ा हुआ है तुम्हारा बंदा 21 सेक्टर में, तो हम यहाँ पे आए, ये इसको घेर के भाग रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी यहीं पे है टक्कर मारी दीवार में, यहाँ भी बच गए, एक बूढ़ा था वो बच गया एक्सीडेंट होने से, ये ड्रिंक किए हुए है 16 या 17 साल का ही है, हम तो क्या मांग आपकी? अब हमारी मांग ये है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। तो जिस बंदे को टक्कर मारी है उसके हालात कैसे हैं? बार बार उसके हालात बिल्कुल नाजुक है, उसकी टांग टूटी हुई है, उसको सिविल में लेके गए हैं हॉस्पिटल में, और ये बंदा बार बार फोन करवा रहा है, किसे जिला अध्यक्ष फोन करवा रहा है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, करनाल से कोई जिला अध्यक्ष, हम तो यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम नवीन है। क्या मामला है पूरा? मैं इनका पड़ोसी हूँ जी, अर्जुन नगर से, आंटी रोती आई बार भी एक्सीडेंट हो गया, हम आए रोड पे, ये गाड़ी में उठा के बंदे को ले गया, हमने सोचा चल हॉस्पिटल में ले गया, हम कैथल के सारे हॉस्पिटल घूम लिए, फिर हमने अंकल जी के फोन था जेब में, फोन करा, वो भला उस इंसान का जिसने फोन उठाया
और हमें बताया वो 21 सेक्टर में घेर के जा रहे हैं, वो तो घेर के भाग रहे थे, अचानक दीवार के साथ दोबारा टक्कर लग गई इनकी और इसको यहाँ लड़के को चोट लग गई, ये भाग नहीं सके, गाड़ी के दोनों टायर फट गए, इस कारण भाग नहीं सके, नहीं तो ये भाग जाना था इन्होंने, फिर हम कहाँ ढूंढते हैं, गाड़ी दिल्ली नंबर है, आरसी पे भी दिल्ली नंबर है, इनको कहाँ कहीं नहीं मिलने, तो पुलिस भी मौके पे पहुंची है, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई कर लिया, उनका नंबर ले लिया है सारा कुछ, जो असन से उनके रिश्तेदार आए उनका नंबर ले लिया है जी, और करनाल से किसी जिला अध्यक्ष का फोन आया था अरोड़ा, तो सिफारिश की जा रही है, सिफारिश की जा रही है, आपकी क्या मांग है, हमारी मांग है जी उसका इलाज सही ढंग से करवाया जाए और जो हो अच्छी कार्रवाई की जाए। नाम दलवीर सिंह है जी, क्या मामला हो रहा है, और रैंक अच्छी है और ये पहले सूचना मिली थी अर्जुन नगर सिक्का रोड पे मैं कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, तो उसके बाद उसको जो इंजर्ड हुआ था उसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया 112 के माध्यम से, और ये गाड़ी यहाँ भी एक्सीडेंट कर दी, जिस चालक ने एक्सीडेंट किया था ना वो गाड़ी उसने यहाँ मतलब सेक्टर 21 के पास, और ये गाड़ी हमारे कब्जे में है। तो कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें 3 सवार थे। तो कागजात वगैरह हैं इनके पास? हाँ ले लिए कागज। जो ड्राइविंग कर रहा था उसके नाबालिग लग रहा है वो? ना नाबालिग नहीं, उम्र 20 साल है। 20 साल उम्र है। तो जिसको जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर आया, उसको फेंका गया है कि सेक्टर में इस तरीके को जाना? मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, तो आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? नियम अनुसार जो भी कंप्लेंट देंगे। तो जिसको चोट लगी उसके हालात कैसे हैं? अब उसके हालात अपना सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। देख टांग कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है उसकी, वो तो रुका है ना हमारे पास। हाँ, तो कार्रवाई करेंगे। तो कोई सिफारिश भी की जा रही है, कुछ तरह के आरोप भी है जो यहाँ के लोग लगा रहे हैं? सिफारिश की कोई बात नहीं, कोई वो मेरे सामने नहीं है। तो आगामी कार्रवाई आप सुनिश्चित करेंगे? हाँ बिल्कुल।